बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। संत कबीर नगर से खबर है, जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में यहां पर फायरिंग हुई है। विवाद के दौरान पत्थर चले हैं, सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में चले पत्थर, विवाद के दौरान संघर्ष हुआ है, सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। संत कबीर नगर से खबर आपको बता रहे, दो पक्षों में संघर्ष, तस्वीर देख लीजिए। तो फायरिंग भी हुई है, जमीन विवाद में जमकर पत्थर चले। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, गोल सर्कल में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये इसी शख्स ने फायरिंग की है। ऑनलाइन टीवी पर सबसे पहली तस्वीर है संघर्ष की, जमीन विवाद का मामला और जमकर पहले पत्थर चले और फिर गोली भी, दो पक्षों में फायरिंग हुई है। जमीन विवाद में जमकर चले पत्थर, संत कबीर नगर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले पहले पत्थरबाजी और उसके बाद फायरिंग, दो पक्षों में फायरिंग हुई है, बड़ी खबर। संत कबीर नगर में दो पक्षों में फायरिंग, जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। तस्वीर देखिए, ये पत्थर चल रहे हैं और उधर से गोली चल रही है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हुई है, ईंट पत्थर चले हैं। प्रधानी चुनाव और जमीनी विवाद से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, ग्राम प्रधान सहित कुल चार लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। नीरज त्रिपाठी जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। नीरज, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, एक तरफ से पत्थर ईंट और दूसरी तरफ से गोली चल रही है, आवाज भी आ रही है, तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये पूरा मामला बताइए। जी पंकज जी, आपको बता दूं कि मौली थाना क्षेत्र के लखनापार गांव का मामला है, जहां पर दो पक्ष जो है वो पुरानी जमीन को लेकर के जमीन विवाद बताया जा रहा है, फिर गए हैं, इस तरह से पथरा और फायरिंग हुई है, हवाई फायरिंग हुई है। काफी तनावपूर्ण का माहौल रहा है, पुलिस ने एहतियात के तौर पर वहां पर फोर्स तैनात कर दी गई है और फिलहाल एहतियात के तौर पर चार लोगों को, ग्राम प्रधान सहित चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूरे गाँव में पुलिस कर दी गई है। जो मामला है वो पूरी रंजित बताया जा रहा है, इन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है और साथ साथ प्रधानमंत्री चुनाव पे भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। इस पूरे मामले को रंजिश के तौर पर देखा जा रहा है, नीरज आप ये कह रहे हैं। जी, प्रधानी चुनाव और उसकी रंजिश आज निकाली जा रही है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उसमें किस पक्ष के कितने लोग शामिल है? देखिए, इसमें दोनों पक्ष से दो दो लोगों को लिया गया है, साथ साथ गांव ग्राम के प्रधान भी इसमें है, सूरजपाल नाम उनका बताया जा रहा है, उनको पुलिस ने एहतियात तौर पर हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है। इसमें कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है, फिलहाल अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस जो है वो गांव में एहतियात तौर पर तैनात कर दिया गया है। गोली चलाने वालों को क्या हिरासत में या गिरफ्तार किया गया है, जो गोलियां चला रहे हैं इस पथराव के बीच में, बंदूक लहरा रहे हैं? बिल्कुल, जो चार लोग गिरफ्तार हैं उसमें से वो तत्व भी है जो फायरिंग कर रहा है, उनको हिरासत में लिया गया है। चलो, नजर बनाए रखिएगा नीरज, फिर आएंगे आपके पास हम अपडेट के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया।